हेलो गाइस, मैं हूं प्रेरक। और यार, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ दिखाने वाला हूं, और वो है मेरे हाथ में एक पेन। हाँ भाई, सच में मैं एक पेन दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। कि ये देखो वालों कि देखो यार, ये कैसे चलता है, कितना मस्त चल रहा है ना, कितना ज़्यादा स्मूद है ये। अब यार, आप भी सोच रहे होगे क्या पागल बना रहे हैं, ये वाले पेन के दिखा रहे हैं, इसमें देखने वाली चीज़ क्या है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यार, इसमें खास चीज़ें, मैं ऐसी तो वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। तो एक बहुत ही कुछ स्पेशल पेन है ये, कुछ खास है इस चीज़ में। वो इसमें क्या खास है, क्यों मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये पेन आपको, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो वो मैं अभी आगे वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा। और यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, ये वही पेन है, वो खास वाला जो मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है। देखने में तो ये नॉर्मल पेन लगता है। देखो यार, ये आगे से यहाँ पे उसको घुमा के इसकी टिप बाहर आ जाती है, इसको हम चलाएंगे, ब्लैक कलर का है, चल रहा है, ठीक है। और पूरा देखो यार, नॉर्मल सा पेन लगता है देखने में, बट जो इन सब इस पेन को बाकी पेनों से अलग बनाती है, जो इस चीज़ को अलग बनाती है बाकी चीज़ों से, वो है ये। देखो यार, इसमें एक लगी है लाइट, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे एक लाइट लगी है पीछे, जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको पुश करो ना, लाइट बंद हो जाती है पेन के अंदर एक लाइट। कमेंट करके बताओ, आज से पहले कभी ऐसा पेन देखा जिसके अंदर लाइट लगी हो। बहुत टाइप के पेन आते हैं, अलग अलग बहुत टाइप के पेन देखे होंगे, लेकिन ऐसा पेन कभी नहीं होगा देखा हुआ यार आपने। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जिसके अंदर लाइट लगी हो। ये देखो यार, पूरा एक लाइट लगी। मैं एक काम करता हूँ, आपको वैसे तो दिख रहा होगा, लेकिन एक लाइट बंद करके, ऐसा यहाँ की रूम्स की लाइट बंद करके फिर दिखाता हूँ इसकी लाइट कितनी तेज़ है। ये देखो यार, ये देखो यार, इसकी लाइट, पेन की लाइट देख रहे हो, पूरा पेन की लाइट है ये, चमक रही है जो। अब मैं वापस लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर आपको आगे का बताता हूँ, देखो क्या प्रोसीजर है। तो यार, अब देखो, जो मैं इस चीज़ में दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, जो मेरा मकसद है दिखाने का, पहले तो ये सोचो इसके अंदर पेन के अंदर लाइट लगी है, तो ऑफ कोर्स कुछ सेल्स, कुछ बैटरी वगैरह भी लगी होगी जिससे इसको एनर्जी मिल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ मतलब, और बल्ब भी लगा हुआ जो ग्लो कर रहे हैं अंदर, बल्ब भी लगा हुआ अंदर, बैटरी भी लगी होगी, काफ़ी सारा मैकेनिज्म, तार वगैरह भी होंगी, वायर्स भी होंगी मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। ऐसी तो लाइट जल नहीं जाएगी, है ना। तो वही सब देखेंगे यार, कि एक जरा से पेन में, एक नॉर्मल से पेन में इन्होंने कैसे, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या निकलता है, कैसे सब फिट करा गया है, तो यही मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो करके देखते हैं, इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो यार, पहले इसको खोलने के लिए मुझे पीछे से इसको हटाना पड़ेगा, ये आगे से खोल के तो देखो कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ एक रिफ़िल निकलेगी, नॉर्मल पेन जैसे होती है, जैसे एक नॉर्मल पेन की रिफ़िल होती है, बस हाँ ये छोटी काफ़ी है, काफ़ी छोटी रिफ़िल है, तो जैसे चल भी रही है, तो आगे से तो बस ये निकलता है। अब हमें इसके पीछे से खोलना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे खुलता है। ओके, ये देखो यार, ये निकला है पीछे का पूरा, ये जैसे इसमें फिट फिट था ना, ये देखो ऐसे, ये पीछे से इसमें पूरा फिट था ना, इसको पीछे से मैंने यूँ निकाल लिया। इसके अंदर है ये पूरा एक बल्ब टाइप, पूरा देखो ये आगे बल्ब है, ठीक है, दिख रहा होगा कैमरे में आपको। और यार, अंदर और कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरा पेन खोखला है अंदर से, जो भी बैटरी वगैरह होगी, जो भी कनेक्शंस वगैरह होंगे, वो इसी के अंदर होंगे। तो अब हमें यार ये भी खोल के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यार, ये तो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। ओके, बल्ब ग्लो कर रहा था अभी तक, अब ग्लो करना बंद हो चुका है, देखता हूँ इसको दोबारा से ला के कि फिर से ग्लो करता है कि नहीं। कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो ख़राब तो नहीं हुआ है ये, एटलीस्ट सही है। चलो, ये देखो इसके अंदर यार सेल्स हैं, वो जो हमारे घड़ी वाले सेल होते हैं ना, छोटे वाले, वो वाले सेल्स हैं छोटे वाले, देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और नहीं यार है, कुछ तो है इसके अंदर, वो हम भी हम देखते हैं साइड में थोड़ी देर में। ये देखो यार, तीन सेल लगे हैं इसके अंदर, दिख रहे हैं तीन सेल्स हैं, ये छोटे वाले एक, और ऐसी दो सेल्स और हैं, एक हेरा, तो ये तीन सेल लगे हैं, ये बल्ब लगे हैं, और बल्ब जो है किसी तार की वजह से कनेक्ट नहीं है, एक स्प्रिंग है, ये मेटल हो, मेटल की स्प्रिंग होगी ना, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तो कोई तार नहीं लगाए, सीधा ही एसी से ऐसे जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ है, वो देखते हैं अभी हम, निकलेगा कैसे है?
ये देखो यार, पीछे का मैंने कुछ कवर सा था इसको निकाल लिया है, और ये देखो निकल आया है। क्या चीज़ें हैं ये देखो यार, ये पता नहीं, ये मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है। ये निकला है कुछ इसके अंदर, अब ये है क्या ये मुझे नहीं पता है। स्विच भी नहीं है, क्या है ये? अच्छा ओके समझ गया मैं, ये जो हम क्लिक कर रहे थे ना पीछे से दबा के, जिसको लाइट जला रहे थे, देखो ये वो है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दब रहा है, दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। तो देखो यार ये चीज़ें निकली हैं, पेन तो अंदर बॉडी है पूरी खोखली है, इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा एक बल्ब था, ये 3 सेल वाली बैटरी थी, तीनों को कंबाइन करके हम इसको बैटरी बोल सकते हैं, और एक ये चीज़ थी जिसके थ्रू हम इसको जला पा रहे थे। तो यार सिर्फ यही चीज़ थी, एक काम करते हैं यार, इसको दोबारा से वापस से जोड़ते हैं, देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा से जोड़ता हूँ, अब क्या जल पाता है कि नहीं जल पाता है, ऐसे ख़राब हो चुके हैं, एक बार इसको फिर से जोड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर थी मेरे ख्याल से, ये इसके ऊपर था, ये इसके ऊपर था, ये बैटरी यहाँ पे थी, ये यहाँ पे था, ये ऐसे था, हाँ देखो यार हो गया, जुड़ गया है, अभी भी जल रहा है। इसको मैं पीछे से कनेक्ट करूँगा, जो दबाने वाला था ना, ये जो हमने निकाला था, इसको मैं दबाऊंगा, ये बंद हो गया, ये जलने लगा, ये बंद हो गया, जलने लगा, ये पीछे इसका कैप था, इसको भी लगा दोगे तो पूरा बंद है, मेरे से लगा नहीं है, इसके बिना भी देखो काम कर रहे हैं। इसको मैं इसके अंदर फिट कर दूंगा, ये देखो आगे से भी लाइट आ रही है इसकी, देखो आगे आगे हमने रिफिल निकाल रखी है ना, ये तो टॉर्च बन गई यार, एक पेन से इसको हमने टॉर्च भी बना सकते, इसको हम ऐसा टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, देखो अंधेरे में थोड़ा बहुत तो काम कर, देखो यार पेपर पे देखो रोशनी आ भी रही है, थोड़ा बहुत तो काम कर ही जाएगी। तो यार यही सब चीज़ें थी इस पेन के अंदर, आई होप आपने ऐसा पेन पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये पेन देख के बड़ा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो, कुछ अलग देखा हो, कुछ नया सीखा हो यार, कि कैसे इस चीज़ को हमने जोड़ रखा था, छोटी सी पेन के अंदर इतनी सारी, पूरा बल्ब वगैरह बैटरी वगैरह सब कैसे जुड़ा हुआ था, कैसे था अंदर। आई होप आपने ऐसी चीज़ पहली बार देखी होगी, ऐसा पेन पहली बार देखा होगा, यार मैंने तो पहली बार देखा था, और मज़ा आया होगा, कुछ नया देखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते अगली वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।